तो ये देखिए व्यू यहाँ से कुछ ऐसा। हे गाइस, कैसे आप सब, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी हमें अगरतला रेलवे स्टेशन के सामने, और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन। तो ये रेलवे स्टेशन एक्चुअली, मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी, मतलब लग रहा होगा कि आपने कहीं देखा होगा। तो अब जब हम जब उज्जैनता पैलेस गए थे तो आपने वहाँ पे वो डिज़ाइन देखा था, तो उज्जैनता पैलेस के ऊपर ये डिज़ाइन बनाया गया है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे अंदर कैसा है, और शाम को आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे, मतलब जो लाइटिंग होती है कैसी दिखती है, मतलब बहुत सुंदर लगती है। और साथ में आपको इसका भी लाइटिंग्स दिखाएंगे, यहाँ पे बहुत सुंदर एक फाउंटेन होता है और लाइटिंग बहुत सुंदर लगता है गाइस। हाँ तो गाइस, अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या है। वैसे तो हम आ चुके हैं अंदर पहले, बहुत बार आ चुका हूँ मैं, रेलवे से ट्रैवल कर चुका हूँ, तो पहली बार व्लॉग में डालने वाला हूँ, ट्रैवल व्लॉग। तो अब चलिए अब यहाँ से अंदर जाते हैं। पता नहीं प्लेटफॉर्म टिकट लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए। वैसे आप ऐसे भी आप एंट्री कर सकते हैं फ्री में, तो देखते हैं, लगेगा तो फिर ख़रीद लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अभी काफ़ी लोग आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रेन खड़ी है, तो ट्रेन कहीं जाने वाली है, कौन सी ट्रेन है पता नहीं। और आपको अभी टिकट का लाइन दिखाते हैं, ये देखिए गाइस टिकट का लाइन, बहुत लंबी लाइन है। तो यहाँ पे है सेकंड क्लास वेटिंग हॉल, यहाँ पे आप, अगर आपकी ट्रेन लेट है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। बाकी अभी नीचे उतर रहे हैं स्टेशन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम ऊपर जाने वाले हैं ओवर ब्रिज पे, और वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, मतलब कैसा दिखता है वहाँ, बहुत ही बढ़िया दिखता है, काफ़ी अच्छी जगह। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में, और इस साइड, तो ये देखिए व्यू यहाँ से कुछ ऐसा। और ये लगेज कंपार्टमेंट है, इसमें लगेज बढ़ा जा रहा है, और सामने इंजन। और आपको इस साइड से व्यू दिखा देते हैं, ये अगरतला, ये अभी ट्रेन जाने वाली है, धर्मनगर स्पेशल ट्रेन। काफ़ी ट्रेन है यहाँ पे, और वहाँ पे ट्रेन यार्ड है, वहाँ पे जो इंजन जो है अगर ख़राब हो जाती तो उसको वहाँ पे ठीक किया जाता है, खासकर कुछ ऐसा ही व्यू। आपको 360 एक व्यू दिखा देते हैं यहाँ के, तो इस साइड में देख सकते हैं आप एक्स्ट्रा बोगीज पड़े हुए हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये है राजधानी तेजस एक्सप्रेस, और वहाँ पे ट्रेन यार्ड काफ़ी बढ़िया। तो गाइस, ये जो तेजस है ये मतलब फुल्ली एसी ट्रेन है, और वैसे अच्छी है, बहुत अच्छी है अंदर से, मतलब एकदम लग्जरी ट्रेन है। लेकिन इसकी एक, मतलब प्रॉब्लम है, वो है कि इसका जो दरवाज़ा है वो ऑटोमेटिक है, वो अब बंद हो जाता है जैसे, मतलब गाड़ी खुलती है स्टेशन से तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तो अगर आप बाहर हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ खुलते ही पकड़ लेंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि अगर एक बार ये दरवाज़ा बंद हो जाए तो आप बाहर ही रह जाएंगे। इसको अंदर से भी, मतलब खोलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसका जो स्विच है, मेन स्विच
एग्जैक्टली वो जो ट्रेन गार्ड है उसके कंट्रोल में है। तो जब तक गार्ड को पता नहीं चलेगा कि आप बाहर कोई है तब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है, और जब तक गार्ड को कोई बताने जाएगा तब तक तो ट्रेन निकल चुकी होगी। तो ध्यान रहे कि अगर आप तेज़ से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि आप खुलने से पहले आप गाड़ी में घुस जाए, वरना आप बाहर रह जाएंगे। तो अभी जाएंगे थंबनेल लेने, इस वीडियो का थंबनेल लेने अभी इंजन के सामने जाएंगे, और गलती से अगर इंजन ने हॉर्न मार दिया तो कान के पर्दे फट जाएंगे। तो गाइस ये जो ट्रेन है यहाँ पे खड़ी है ये है 15615664 गाड़ी नंबर, और ये जाएगी अगरतला से सिलचर। यहाँ पे लगेज कार्ट में लगेज भरा जा रहा है। अरे क्या कहाँ से जाऊँ? हाँ हाँ अरे भाई ना ना नीचते नहीं डरते। गाइस इंजन इंडियन रेलवेज, और ये हमारे गार्ड साहब ट्रेन के ड्राइवर। और लग रहा है कि बारिश आने वाली है पीछे। बाकी व्यू बहुत बढ़िया, वहाँ पे एक और इंजन सामने। तो अगर आप अगरतला से बाहर जा रहे हैं तो ये ट्रेन इधर जाएगी, और आप अगरतला के अंदर जा रहे हैं तो ट्रेन उधर जाएगी, दो रूट। तो मेरे पीछे ये ट्रेन है, तो ये जाने वाली है सिलचर। तो जब ये छोड़ेगी तो आपको व्यू दिखाएंगे कैसे छोड़ती है, मतलब बहुत ज़ोर से हॉर्न मारती है तो कान फट जाएगी। तो जब हम थंबनेल ले रहे थे तो हमें डर लग रहा था कहीं ट्रेन हॉर्न ना मार दे, क्योंकि हॉर्न मार दिया तो पूरे कान के पर्दे फट जाएंगे। तो बहुत डर डर के फ़ोटो लिए। तो थोड़ी देर में ट्रेन निकलने वाली है, तो जब निकलेगी तो आपको दिखाएंगे व्यू। तो भाई ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर, मुझे लगा ट्रेन छोड़ने वाली। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सुंदर फूल, ये फूल बहुत ही कॉमन है, मतलब अगरतला में बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर दिखते हैं ये फूल। गाइस फिलहाल डर इस बात का लग रहा है कि पीछे आप देख सकते हैं मेरे काले बादल आ रहे हैं, तो बारिश अगर हो गई तो हम यहाँ पे फंस जाएंगे, तो इस बात का डर है। बट फिर भी हम यहाँ पे आपको दिखा के जाएंगे रेल का पूरा, मतलब अंदर से बाहर सब कुछ दिखा के जाएंगे। बारिश आने से कोई बात नहीं, अब रुकना पड़ेगा, क्या करें बारिश आएगी तो। तो अभी फ़िलहाल बैठे हैं, जब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, जब निकलेगी तो आपको दिखाएंगे। अभी बैठे हैं यहीं पर बेंच पर, मैं और मृणाल सामने व्यू को एंजॉय कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं व्यू। ये देखिए व्यू, बहुत सुंदर व्यू। थोड़ी देर बाद बारिश आने वाली है, फिर व्यू का कचरा हो जाएगा। तो अब थोड़ी देर में ट्रेन छूटने वाली है, लाइट्स जल गई है, फोकस नहीं हो रहा है, सॉरी। अरे फिर से फोकस नहीं हो रहा गाइस, अरे फोकस ही नहीं हो रहा है। हाँ और व्यू तो मतलब बढ़िया ही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे यस गाइस तूफान आ रहा है, और अगर हम बारिश में फंस गए तो हम काम से गए। तो बारिश में फंसना हम चाहते नहीं है, बट वेट करना पड़ेगा। तो ये कौन सी इंजन है जा रही है, डीजल लोको शेड गांधीधाम। तो गाइस अभी ट्रेन निकलने में टाइम है, तो अभी चाय पीने आए यहाँ पे, यहाँ पे रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म पे चाय की दुकान है, तो अभी यहाँ से चाय पियेंगे। पहले भी पी चुका हूँ, बहुत अच्छा चाय बनाते हैं। तो गाइस बहुत ही बढ़िया, मतलब चाय है, चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा लग रहा है ये चाय नहीं है कुछ और ही है, मतलब क्या मिलाया हुआ इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त। मृणाल हाउ इज़ द चाय? वेरी नाइस। तो गाइस अब ट्रेन निकलने वाली है, 6 बज चुके हैं और इसका टाइम हो गया है अब निकलने का। ए कुत्ता हट। तो ट्रेन चल पड़ी है गाइस।
बाय बाय। तो गाइस ट्रेन चली गई और पूरी स्टेशन खाली हो गई। ये देखिए बेचारा इंजन अकेला ही है। ये बाबा तुम्हारा डिब्बा किधर है बे? तो गाइस थोड़ी देर पहले चाय पिए थे, चाय बहुत बढ़िया था, तो अब वापस जा रहे चाय पीने। चाय एक बार पी के मज़ा नहीं आया, दोबारा पीना चाहते, दोबारा उस फील को लेना चाहते। बहुत ही बढ़िया चाय थी, एकदम मस्त। अब जब भी अगरतला स्टेशन आए तो उस चाय को ज़रूर ट्राई करें। मतलब वो चाय तो मशीन का चाय है फिर भी बढ़िया है, अच्छा है। तो गाइस अब निकल रहे हैं, थोड़ा देर यहाँ पे बैठ लिए, थोड़ा हवा खा लिए, तो अब बाहर चलते हैं और वहाँ से निकलेंगे घर। तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे अगरतला रेलवे स्टेशन का रात का व्यू। Without heart in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you, 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 you. So guys, finally vlog ko end karne ka waqt aa gaya hai. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। बेचारा ट्रेन को इसके डब्बे ने छोड़ दिया, अकेला घूम रहा है बेचारा कोई इसको कंपनी दो।